हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश सर। वेलकम टू जेएमडी इंस्टीट्यूट। डिस्कस करेंगे आज टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सी इन दिस टॉपिक फर्स्ट पॉइंट इज दिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स दैट प्ले रोल इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेकेंड इज दिस, दीज ऑर्गन आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के आउटसाइड होता है ऑर्गन्स। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसको क्लासीफाइड किया हुआ है, यूरेथ्रा, पैनिस है, टेस्टिस है, स्क्रोटम है, ब्लैडर है, सेमिनल वेजल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, वेस डिफरेंस है, ठीक है। इसको क्लासिफिकेशन जब नेक्स्ट फिगर में भी आपको दिखाएंगे, तो यूरेथ्रा यहाँ पे देखिए, इसे यूरिन ट्रांसफर होता है, यूरिन या स्पर्म। पैनिस आप देख सकते हैं, टेस्टिस जिसमें स्पर्म बनते हैं आपके। स्क्रोटम इसका बिल्कुल इसके जस्ट नीचे का पोर्शन होता है। आप नीचे अभी देखेंगे जाके नेक्स्ट टॉपिक में, ये वैस डिफरेंस का जिनको इनको क्लासिफाइड किया हुआ है, एक्चुअली है क्या, इनका फंक्शंस क्या है। तो ह्यूमन जो सेक्सुअल, ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट नीड्स अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ द जर्म सेल्स। ये क्या क्रिएट करते हैं, जर्म सेल्स को क्रिएट करते हैं, यानी स्पर्म को क्रिएट करते हैं, और ए फीमेल एंड इन द फीमेल एंड स्पर्म इन द मेल पार्टनर, दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड, इसको प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी का मतलब होता है चेंजेस, समथिंग चेंजेस इन बॉडी, ओके। देन ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड, मेल या फीमेल, यहाँ पर डेवलप्ड होता है मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सो स्टूडेंट, द फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पर्म, जो जिन्हें स्पर्म जो सेल कहते हैं, स्पर्म सेल, जो कहाँ पर टेक्स प्लेस, इन द टेस्टिस। ये टेस्टिस में इनके बनते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। टेस्टिस जो है रिलीज अ मेल सेक्स हार्मोन। ये क्या करते हैं, मेल सेक्स जो टेस्टिस होते हैं, अभी आपने फिगर में जैसा देखा है, देख पा रहा नीचे टेस्टिस हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड, जिनको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सेकंड इज दिस ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एंड स्पर्म अलोंग विद द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेजल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट सीमेन विच इज रिलीज्ड एंड मेल एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कैपुलेशन। यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना था टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स है, सेक्स मेल सेक्स हार्मोन है, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स आपका है एस्ट्रोजीन। ये यहाँ पर फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजीन, ठीक है, और मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। स्टूडेंट, अभी आपने फिगर देखी थी, तो वहाँ पर था वैस डिफरेंस, ये ट्रांसपोर्ट मैच्योर द स्पर्म टू द यूरेथ्रा एंड ट्यूब दैट कैरीज द यूरिन और स्पर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी। डिफरेंस के थ्रू यूरिन हो गया, स्पर्म हो गया, बॉडी के बाहर आते हैं। जब किसी मेल को ऑपरेशन की नीड होती है, वो वैस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, द जॉब ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज द सीक्रेट प्रोस्टेट फ्लूड्स, द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड फ्लूड इज कॉल्ड, उसको सीमेन कहते हैं, मिक्सचर ऑफ फ्लूड एंड स्पर्म उसको सीमेन कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। या आपने अभी फिगर देखा होगा, वहाँ पे देखा था, उसको क्लासिफाइड किया था, सीक्रेट द प्रोस्टेट फ्लूड्स है, मिक्स इन दोनों का मिक्सर को सीमेन कहते हैं। अब ये सेकंड पॉइंट देखिए, द मसल्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड आल्सो हेल्प टू प्रोपेल द सेमिनल फ्लूड थ्रू द यूरेथ्रा एंड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, इसको स्पर्म डक्ट कहते हैं, प्रोस्टेट यानी स्पर्म डक्ट कहते हैं, दैट टू ऑफ नोन एज द वैस डिफरेंस, जो मेल में होता है इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसे ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो एक क्या रोल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, यानी इट रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये क्या करता है, स्पर्म को फॉर्मेशन करता है, यानी बनाता है स्पर्म को, किसमें, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस यू नो। जैसा कि मैंने स्टूडेंट आप लोगों को बता रखा है, तो मेल जो पेरेंट है प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, है ना, इसे स्पर्म कहते हैं। द स्पर्म इज द वेरी स्मॉल सेल इन द लॉन्ग टेल फॉर मूवमेंट, ये लॉन्ग टेल की तरह एक तरीके से होते हैं। द फीमेल जो पेरेंट प्रोड्यूस द फीमेल जो गैमेट्स है, जिन्हें ओवा बाय द यानी जो द ओवम इज अ मच बिगर होते हैं,
जो सेल देन स्पर्म हैविंग अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। स्पर्म है एंटर इनटू द ओवम, स्पर्म है ओवम के अंदर एंटर होते हैं, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम टू फॉर्म क्या क्या बनाते हैं, जाइगोट, जिसे उसे कहते हैं फर्टिलाइज ओवम। यानी द जाइगोट जाइगोट डिवाइड रिपीटली बाय द मिटोटिक डिवीजन अल्टीमेटली ग्रो एंड डेवलप टू द बिकम्स अ न्यू बेबी। तब न्यू बेबी क्या होता है, जनरेट होता है। मेल के स्पर्म एंड एग मिल करके ये क्या बनाते हैं, एक नया बेबी बनाते हैं, नया बेबी जनरेट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, हमने आपको रिव्यू दिया यहाँ पर, इसमें आप देख पा रहे होंगे द मेन फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू प्रोड्यूस स्पर्म सेल एंड डिलीवर दैम इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। द कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन विच आर एसेंशियल फॉर जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ लाइफ। ऐसा ना हो तो लाइफ आगे पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ आगे बढ़ी नहीं है। सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच एवरी वन।